लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। कहानी आद्य शंकराचार्य जी, शिष्य पद्मपाल। धन्य है वे साधक जिन्हें अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य का पता होता है और जिन्हें ब्रह्मज्ञानी संत, सत्संग और सानिध्य की कद्र होती है। जिनकी तड़प सच्ची होती है, ईश्वर भी उनका साथ देता है। ना जाने कब कैसे अपने प्यारों को ब्रह्मज्ञानी संत से मिला ही देता है। उन्हीं में से एक युवक था जिसका नाम था सनंदन। वह दक्षिण भारत के चोल देश से गुरु की तलाश में काशी आया था। उसकी तड़प थी कि मिल जाए कोई महात्मा जो उसे आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर पहुंचा सके। उसने काशी के साधुओं से पूछा, क्या यहाँ आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर पहुंचे हुए गुरु हैं जो मुझे भी आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर पहुंचा सके? हाँ, मणिकर्णिका घाट पर एक बाल सन्यासी ब्रह्म पद में स्थित है। उसे लगा कि शायद अब उसकी गुरु की खोज समाप्त हो गई है और उसने मन ही मन शंकराचार्य जी को अपना गुरु माना और उनके दर्शन के लिए निकल पड़ा। सनंदन गंगा नदी के समीप उस पार तक पहुंच गया, परंतु उस पार से इस पार आने का कोई साधन नहीं था। वहां न तो कोई नाव थी और न ही कोई पुल बना हुआ था। यहाँ तो कोई साधन ही नहीं है जिससे मैं नदी पार कर सकूं और गुरुदेव के दर्शन के लिए जा सकूं। इधर नदी के इस पार शंकराचार्य जी के मन में प्रेरणा हुई। लगता है कोई सत्पात्र, कोई जिज्ञासु दर्शन के लिए आना चाहता है लेकिन आ नहीं पा रहा है। तब वह खड़े होकर अपनी कुटिया से निकलकर गंगा नदी के समीप गए। उन्होंने देखा कि एक युवक नदी के उस पार खड़ा खड़ा प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई नदी के इस पार पहुंचा दे। शंकराचार्य जी ने उन्हें हाथ से ही इशारा किया कि इस तरफ आ जाओ। सनंदन ने सोचा, शायद ये वही बाल सन्यासी हैं जिन्हें मैंने गुरु माना है और वो हाथ के इशारे से मुझे अपनी ओर बुला रहे हैं। क्या उन्हें यह दिखाई नहीं दे रहा कि नदी के इस तेज प्रवाह में तैर कर आना भी संभव नहीं है? यहाँ न तो नाव है और न ही कोई साधन। सनंदन उनकी ओर देखता रहा। शंकराचार्य जी ने पुनः एक बार अपनी ओर आने का इशारा किया। सनंदन एक विद्वान और समझदार युवक था। सनंदन ने सोचा, संभव है गुरुदेव मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। यदि मैंने अभी उनकी आज्ञा नहीं मानी तो मैं उनका शिष्यत्व कैसे ग्रहण करूंगा? ऐसा विचार करके गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करके उन्होंने उफनती हुई गंगा की धारा में कदम रखा और एक चमत्कारी घटना घट गई। जहां उन्होंने कदम रखा वहां कमल का फूल उग गया। फिर जहां दूसरा कदम रखा वहां भी कमल का फूल उग गया। जहां जहां सनंदन अपना कदम रखते वहां वहां एक कमल का फूल उग जाता और इस प्रकार कमल के फूलों पर पैर रखते हुए वह गंगा नदी के इस पार शंकराचार्य जी के पास पहुंच गए। सनंदन के साथ साथ वहां खड़े सब लोगों ने इसे शंकराचार्य जी का ही चमत्कार समझा और शंकराचार्य जी की जय जयकार होने लगी। सनंदन ने शंकराचार्य जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे गुरुदेव, जिस प्रकार आपने इस जल प्रवाह से मुझे पार उतारा है उसी प्रकार संसार सागर से पार उतार दो, मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लो। आंखों में अश्रु लिए सनंदन युवक एक आशा भरी नजरों से शंकराचार्य जी को निहारने लग गए। शंकराचार्य जी ने उन्हें सुपात्र माना और अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और गुरु दीक्षा देकर
उन्हें साधना की विधि बता दी। उसी दिन से गुरु की कृपा से उनका नाम सनंदन से बदलकर पद्मपाद हो गया। कमल को संस्कृत में पद्म बोलते हैं और पैरों को पाद। वह कमल के पुष्प पर चरण रखते हुए आए थे, इसलिए उनका नाम पद्मपाद पड़ा। पद्मपाद शंकराचार्य जी के प्रथम शिष्य थे, जो आगे चलकर गुरु का पूर्ण ज्ञान पाने में सफल हुए और ब्रह्म पद में स्थित हो शंकराचार्य जी के साथ भारत वर्ष में सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। आगे की कहानी अगले सत्र में। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।